जब जयपुर शहर में मेट्रो रेल का काम शुरू हुआ तो लोगों के मन में तरह तरह की आशंकाएं थी। कुछ को लगता था जब खुदाई का काम होगा, बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चलेगा तो इस शहर का खूबसूरत चेहरा कुरूप होने लगेगा, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत नष्ट होने लगेगी। मगर मज़ेदार बात यह है कि हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। जब खुदाई का काम शुरू हुआ तो ज़मीन के नीचे दबी ये खूबसूरत बावड़ी लोगों की नज़र के सामने आई, जिसके बारे में लोग भूल चुके थे, जिसे किसी ने कभी देखा नहीं था। जब छोटे चौपड़ की सतह पर खुदाई की गई तो एक ऐसी खूबसूरत बावड़ी के अवशेष नजर आए जो 150 बरस से जमीन के नीचे दबे थे। खुदाई के अगले दौर में एक और भी पुरानी सतह का पता चला जो पहली सतह से तकरीबन 100 साल पुरानी थी। ऐसा जान पड़ता है कि ये जलाशय जयपुर में नलों द्वारा पानी पहुंचाए जाने के बाद काम में नहीं लाया गया और न केवल धीरे धीरे भुला दिया गया बल्कि भर दिया गया। संगमरमर के जिन गोमुखों से पानी निकलता था उन्हें सावधानी से निकालकर अल्बर्ट हॉल संग्रहालय में रखवाया गया है। इस तरह के काम पहले भी हो चुके हैं। नागार्जुन कोंडा में हैदराबाद के पास में एक डैम बना था, वहाँ से सारे मॉन्यूमेंट उखाड़ के दूसरी जगह ले गए थे, फिर सेट किया गया। उसी बेसिस पर हम लोगों ने किया है कि जैसे जैसे ये मॉन्यूमेंट है ठीक उसी तरह हम लोगों ने पहले इसके डॉक्यूमेंटेशन किया, फोटोग्राफी ली, ड्राइंग बनवाई है और एक एक पत्थर का नंबर लगाया गया है। इसी बेसिस पर बाद में तो रिकंस्ट्रक्ट कर गए। बड़ी चौपड़ की खुदाई में भी एक और खूबसूरत बावड़ी का पता चला। 18वीं सदी के पुराने दस्तावेजों में इस जलाशय का जिक्र मिलता है, जिसका इस्तेमाल खास मौकों पर स्नान तथा अन्य अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। जयपुर मेट्रो ने यह बीड़ा उठाया है कि कई पीढ़ियों से जमीन के नीचे दबी इस खूबसूरत विरासत को वो नागरिकों को लौटा सके। भूमिगत मेट्रो स्टेशनों का निर्माण पूरा होने के बाद ही इन सुंदर बावड़ियों की पुनर्स्थापना इनके मूल रूप में उसी जगह की जा सकेगी जहां ये थी। दुनिया में कई जगह मेट्रो की खुदाई के दौरान जो पुरातात्विक सामग्री मिली उसे मेट्रो स्टेशनों पर बनाए गए संग्रहालयों में रखा गया है। भारत में जयपुर में पहली बार न केवल छोटी चौपड़ के मेट्रो स्टेशन पर एक विश्व स्तर का संग्रहालय और कला दीर्घा बनाए जा रहे हैं, बल्कि ऐतिहासिक महत्व के इन जलकुंडों को यहीं पर पुनर्स्थापित भी किया जा रहा है। कल्पना कीजिए कि छोटी और बड़ी चौपड़ पर मेट्रो स्टेशन का काम पूरा होने के बाद आप स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। वहां आपका स्वागत करेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक बेहद खूबसूरत प्लाजा। जिसके बीचों बीच पुनर्स्थापित होंगे सुंदर जलाशय अपने मूल रूप में। दोनों चौपड़ों का पुनर्निर्माण ऐतिहासिक सामग्री से किया जाएगा। राज्य सरकार न केवल जयपुर के अनमोल विरासत के संरक्षण के प्रति संवेदनशील है, बल्कि उसका संकल्प है कि वो जयपुर वासियों को एक अद्भुत उपहार दे। ये सार्वजनिक स्थल न केवल सौंदर्य की दृष्टि से बेहद आकर्षक होगा, बल्कि आर्थिक रूप से भी बहुत लाभप्रद होगा। ये जगह देर रात तक गुलजार रहेगी। पर्यटकों की बढ़ी चहलकदमी और ग्राहकों की लगातार आवाजाही से बाजारों का कारोबार बढ़ेगा। यहाँ का साफ सुथरा वातावरण, खुशनुमा खुशगवार माहौल शहरी जिंदगी की खुशहाली तेजी से बढ़ाएगा, जिसका फायदा आबादी के हर तबके को होगा। व्यापार चौतरफा बढ़ेगा। आज जो टूरिस्ट दूर है या ग्राहक जो दूर है वो पहुंचने में असक्षम होता है, ट्रैफिक पार्किंग परेशानी है, वो परेशानी हट जाएगी तो टूरिस्ट अधिक पहुँचेगा, ग्राहक अधिक पहुँचेगा, परचेज सेल दोनों ही बढ़ेगी। मेट्रो की हम तो ऐसे इंतजार कर रहे हैं जैसे एक किसान बारिश के लिए इंतजार कर रहा होता है कि कब बारिश आए, और कब मेरी खेती हो। इसी तरह हम व्यापारी हैं, हम सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आएँ, हमारी प्रॉस्पेरिटी बढ़े, व्यापार बिजनेस बढ़ेगा। आज ये जो वॉल सिटी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है पार्किंग की, तो पोल्यूशन और पार्किंग की इसमें काफ़ी निजात मिलेगी। निश्चित तौर से आने वाले समय में आप मान के चलिए कि जयपुर पर्यटक और व्यापार के हिसाब से भारत में अपनी एक जगह बनाने जा रहा है और हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि इस मेट्रो का विस्तार और करें, जिससे एक देश के अंदर एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जयपुरवासी आज मेट्रो जैसी आधुनिक शहरी यातायात प्रणाली की जरूरत समझते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी इस शहर के विकास के लिए नई चुनौतियां सामने आई हैं, यहां रहने वालों ने विरासत के प्रति संवेदनशील बदलाव को सहर्ष स्वीकार किया है। उन्होंने भारी मेट्रो का स्वागत उत्साह से किया है। निश्चय ही आने वाले समय में ये जयपुर की विरासत का अभिन्न हिस्सा बन जाएगी।